कैंची धाम बाबा नीम करौली आश्रम नैनीताल। अभी हम दिल्ली से पहुंचे हैं हल्द्वानी स्टेशन पे और हम रानीखेत एक्सप्रेस से आए हैं। अभी हम यहां से बस लेंगे हल्द्वानी से सीधा कैंची धाम के लिए, मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो हम भवाली के लिए मिल जाए तो वो भी बेहतर रहेगा। बस में बैठ चुके हैं और अगर आप हल्द्वानी ना उतर के काठगोदाम उतरते हो तो सेम बस आपको आगे मिलेगी जो हल्द्वानी से निकल के काठगोदाम जाएगी, फिर उससे आगे आपका जो भी रूट पड़ेगा वो वहाँ से होकर ही जाएगी। तो बेहतर होगा आप काठगोदाम ना उतर के हल्द्वानी उतरें और वहीं से अपनी बस पकड़ लें। एंड बाहर आपको प्राइवेट बसेज भी मिलेंगे बस स्टैंड के बाहर, तो बेहतर होगा आप प्राइवेट बस ना लेके यहाँ की जो गवर्नमेंट बस है वो लें, तो उसमें आपका किराया भी कम लगेगा, आपको सीट मिल जाएगी और आपकी बस जल्दी चलेगी और आप टाइम से पहुंचा देगी। मित्रों हम फाइनली कैंची धाम पहुंच गए हैं और हमें लगभग 1.5 घंटा लगा है हल्द्वानी से यहाँ कैंची धाम पहुंचने में। सामने जो आप ये मार्ग देख रहे हैं ये हल्द्वानी से आता है भवाली से होकर, यानी ये बाबा जी का भव्य मंदिर पवित्र मंदिर, उधर ये रास्ता अल्मोड़ा की तरफ जाता है। तो चलिए आगे अंदर चलते हैं। जय श्री बाबा ने। ये मेरे पिताजी और ये मेरी छोटी बहन। तो ये खड़े हैं हम सिपला नदी ना, सुंदर और भव्य नजारा है। जब आप यहाँ आओगे तो आप खुद महसूस कर पाओगे जो ये बाबा जी की तप सतली है, यहाँ का जो आपका वातावरण है, जो अट्रैक्शन है, वो आप खुद से महसूस कर पाओगे। तो अभी आरती स्टार्ट हो गई है, हम चलते हैं, मिलते हैं आपको बाद में। मित्रों भी आरती हो गई है और जो यूजुअल टाइम लगता था आरती में पहले ज़्यादा लगता था, बट अब ड्यू टू कोरोना ये थोड़ा कम लग रहा है। तो भी आरती हो गई, अब हम थोड़ा नहाए धोएंगे, उसके बाद भोग लगाएंगे बाबा जी को। रेडी और हम जा रहे हैं अभी भोग लगाने, बाबा जी के दर्शन करने, फिर से भोग लगाएंगे, लड्डू का भोग लगाएंगे। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की जय। इस सामने देख रहे हैं आप बाबा नीम करौली महाराज जी का विग्रह। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम यहीं से कैप्चर कर रहे हैं बाहर नदी के बाहर से। जय बाबा जी, दर्शन कर लीजिए सभी। वैष्णो माँ का मंदिर है,
इधर आगे गणेश भगवान जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, फिर हनुमान जी का मंदिर है, आगे बाबा जी की कुटिया जहाँ बाबा जी विश्राम करते थे, इस तरफ विंध्यवासिनी माँ दुर्गा का मंदिर है, आगे बाबा जी का वो स्थल है जहाँ पे बाबा जी अपने भक्तों से बात करते थे और आशीर्वाद देते थे, सिद्धि माई का मंदिर है, इससे आगे कोने में इधर सिद्धि माई का मंदिर है। सुंदर और मनमोहक नजारा। दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड के सीएम बाबा जी के दर्शन करने आए हुए हैं, तो उनके आने के उपलक्ष्य में बाबा जी के द्वार पे ये पहाड़ी नृत्य हो रहा है। मित्रों अभी हम थोड़ा चाय नाश्ता करने आए हैं, बट यहाँ पे सारी चीजें अच्छी हैं, वातावरण अच्छा है, बाबा जी हैं, बाबा जी के सानिध्य में आते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं। यहाँ पे जो भोजन है वो पहली बात तो प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता आपको, अच्छा खाना नहीं मिल पाता, और जो मिलता भी है वो थोड़ा सा महंगा लगा हमें। हम मेहंदीपुर बालाजी भी गए हैं, राजस्थान भी गए हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर खाना मिल जाएगा और रेट्स भी इतने हाई नहीं होते। चलिए मित्रों अब हम विदा लेते हैं बाबा नीम करोली महाराज जी से, अगली वीडियो में फिर कहीं लेके चलेंगे आपको, फिर किसी और पवित्र स्थल पे। आज के लिए बस इतना ही। बाबा नीम करोली महाराज जी हम सब पर अपनी आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें, अपने चरणों में रखें, सुरक्षित रखें। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय।